दासी ग्यारह शहर आल इमरान जनाब आमर इफ्तार ताड़ साहब और ठीक ग्यारह तो बारह महक्क के दौरान जनाब लामा सैयद रिया हुसैन रजवी साहब और रात आला अशराए महरम उस इमाम बारगाह बहरल मुसाहिब शहन शाह मुसाहिब जनाब सैयद अली दाशाह साहब ठीक रात नौ तो दस खिता फरमान दे हूँ मेरे नहायत वाजिब इहतराम सैयदुल्ला करीन बहरल मुसाहिब शहन शाह मुसाहिब जाकरी दुनिया का बहुत प्यारा नाम जनाब सैयद इकबाल हुसैन शाह बजाड़ वाले इन्हों की फौरन बाद बहरल मुसाहिब शहन शाह मुसाहिब जनाब मलिक अली रज़ा खोखरा साहिवाल खिता फरमान दे मिल के नारा तकबीर नारा रसालत कुले मा नारा हैदरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियन मजहर अल अजायब तजिद हो औन लका फिन नवायब कुलहमिन वगमिन सैंजली बेअलीन बेअली इलाही मजलस अजा पुरखलूस अहतमाम कबूल फरमा खुदाया वानियान सादात उजाम दे रिज़्क़ हलाल कारोबार खैर इच बरकत और वसअत अता फरमा बिरादरम सकरैन शाजिदी मसाई अजीम बारगाह सैयदा इच कबूल व मंजूर फरमा सवाब अजीम जिक्र पाकदा सादात दे मरहूमीन तक पहुँचा इलाही जुमला दे दर्जात बुलंद फरमा हाजरीनों सामईन दूर नज़दीक तू जितनी दुआवा दामन च लैन करीम अल्लाह फरजंद जहरा दी बारगा चू किसे मोहताज नू खाली ना लुटा खुदाया मेरे मुल्क दी हिफाजत फरमा आज़ादारान इमाम आज़ादारी इमाम नू महफूज फरमा दुश्मनान अहले बैत दुश्मनान ज़हरा नू तबाह बर्बाद फरमा कोई मरीज़ है बहके ज़ैनुल अबा उसनू शिफा अता फरमा कोई झोली वीरान है मासूमा दा सदका आबाद फरमा मेरा मालिक वलीउल अमर बकियतुल्लाह वारिस कायनात वारिस खून हुसैन शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम कायम दा जल्दी ज़हूर फरमा कबूलियत वास्ते एक सलवात बुलंद आवाज़ में अल्लाहुम्मा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صلوات أحباب اہل بیت حاضرین مجلس شرفاء علاقہ میرے بزرگان سادات عظام سنشی صاحبان इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहज असी जे मुसलमान हाँ साढ़े साल की इब्तदा जनवरी फरवरी तो नहीं मुहर्रम तो यानी बारह महीनों चों इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम है आखिरी महीना ज़िलहज मेरे वतन दे शरफा बिलखसूस मेरे अहले सुन्नत भाई ये दो महीने पहला और आखिरी ज़िलहज और मुहर्रम दो नबियां दे बेटियां नाल दोवें महीने मनसूब बहुत शुक्रिया मुहर्रम भी एक नबी दे बेटे नाल मनसूब है ज़िलहज भी एक नबी दे बेटे नाल मुहर्रम मनसूब है मुस्तफा दे बेटे नाल भाई मेरी ताईद फरमाओ मुबाहला दे बाद अबना ना व अबना कुम दे तहत हुसैन अली दा बेटा नहीं यबना रसूल अल्लाह रसूल दे बेटे दा ना हुसैन तो इहदा मतलब है मुहर्रम मनसूबे मुस्तफा दे बेटे नाल ज़िलहज मनसूबे इब्राहिम दे बेटे
ये दो महीने दो नबियों के बेटियां नाल मनसूब है। क्यों? इन दो महीनों इन दो नबियों के बेटियां कुर्बानी दी और ये दोवें महीने निस्बत कुर्बानी दी रखते इन कदरे मुश्तरक की है। इन दो महीनों च पहली मुश्तरक कदर है कि दोवें महीने कुर्बानी वाले नाल मनसूब है। फिर दूसरा इस तरह कि ना दे कि दो महीनों का जी कुर्बानी वाला वाक्य है दो महीनों की 10 तारीख नू है। मुहर्रम की कुर्बानी का वाक्य भी 10 नू है, जिलहज की कुर्बानी का वाक्य भी 10 नू। 10 मुहर्रम का वाक्य भी गर्मी का है, 10 जिलहज का वाक्य भी गर्मी का, 10 मुहर्रम भी मिनाद मैदान का वाक्य है, 10 जिलहज भी मैदान का वाक्य है, 10 मुहर्रम भी कुर्बानी दी गई है, 10 जिलहज भी कुर्बानी दी गई। फर्क है 10 जिलहज इब्तदा है, 10 मुहर्रम इंतहा है। आए बहुत शुक्र अल्लाह जिंदगी दराज, अल्लाह जिंदगी दराज। 10 जिलहज नू ख्वाब है, 10 मुहर्रम नू ताबीर है। बोले नहीं मेरे नाल, 10 मुहर्रम ख्वाब निभाया गया, 10 जिलहज ख्वाब निभाया गया, 10 मुहर्रम वादा निभाया गया। जिस काम की इब्तदा 10 जिलहज मीना विच इब्राहिम इस्माइल की थी, उस काम की इंतहा 10 मुहर्रम करबला हुसैन और अली अकबर कर दी। ये दो महीने मनसूब ने दो नबियों के बेटे नाल और इन दो नबियों नाल ही मुसलमान का तल्लक है। बाकी अंबिया ते ईमान है, सलाम है, एहतराम है, तल्लक साढ़ा दो नबियों नाल या मिनाले नाल तल्लक है या करबला ले नाल तल्लक है, या 10 जिलहज नाल मुसलमान तल्लक रखता है या 10 मुहर्रम वाले नाल मुसलमान की तल्लक है। मिनाले नाल तल्लक साढ़ा मिलत है, मिलत इब्राहिम अलैहि सलाम दी। करबला ले नाल तल्लक साढ़ा उम्मत है और यही वजह है कि अपना अपना तल्लक बचाने वास्ते इन दो महीनों च हर मुसलमान इन दो नबियों की याद मना रहा है। मीना आलियां दी याद मना के दसी दे असी इन्हां नाल लगने हाँ, करबला आलियां दी याद मना के दसी दे साढ़े नाल तल्लक असी लगने। तल्लक निभाण दे जिंदगी च दो मौके ने, तल्लक बचाण दे दो मौके ने, या खुशी च शामिल होकर दसी दे साढ़े लगते ने या कमी शामिल हो के दस दे। मेरा इलाका मेरा वतन पंचायत पर या दे स्याने लोग बैठे ने, दो मौके ने तल्लक बचाण दे या खुशी शामिल होके या गमी च। मेरा सवाल है जनाब ते सुन शिया दुबाला था, इन दो मौकों चो अहम मौका केड़ा है? खुशी का मौका अहम नहीं, पुत्र की शादी ते बंदा नहीं आया बाबा जी मसल कम पै गया कार्ड मैन पहुँच गया आवना लाजमी आ ते माफ़ करना, चलो खैर है ते जे जेड़ा मेरे पुत्र दे जनाजे ते नहीं आया। शादी मिस हो जाए तो तल्लक रहा है, दुखा में जेड़ा बंदा शामिल ना हो सीरी नहीं आता। रख मौलवी सिर ते कुरान, मिनालिया की तू मिलत है उन्होंने घर खुशी है, 10 जिलहज ईद कर ली आ, करबला आलिया की तू उम्मत है उन्होंने वेड़े 72 जनाजा पे है, इत्थे केड़ा केड़ा गया है? हथ बन खोल तेरी मर्जी है। मिनालिया की खुशी है 10 जिलहज, कोई बंदा मिस भी हो जाए तो खैर ही है तलक बजेगा माफ करना जी कम पै गया जी। 10 मुहर्रम जिन्हें दी तू उम्मत है उन्होंने घर 72 जनाजा पे है, 10 मुहर्रम मिस हो गए तो मुस्तफा नाल तल्लक खत्म हो जाएगा, वो कुछ नहीं लगता जरा दुखों का सीरी ना बने। सुनी शिया तुबाला तारो के इन दो नबियों नाल तल्लक बनाओ। मिनालियां दी याद हज है, करबलालियां दी याद अजादारी है। मीना लिया हज भी बार बार किया जाएगा, करबला लिया अजादारी भी बार बार की जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है मीना आलिया हज साल एक बारी, बोलो भाई मेरे नाल, करबला लिया आजादारी साल के 365 हर दिन हर रात। जेड़ा बंदा हाले नहीं समझिया मैं थोड़ा जहा होर इशारा करा
मीना आलियां दी याद मनाई जाएगी, लेकिन फकत अमीर मनाणगे, गरीबां नूं छुट्टी है। मन इस्तता इलैहे सबीला, पैसे शैसे हैं नहीं, पिछले भूखे तो नहीं मरण लगे, जी हैं ने, फर मैं वाजिब है फिर इधर आ, इन्हां दी याद मना। मालक मेरे को लाहौर का कराया नहीं, फरमाया गुजरात ही रवी, ए मक्के अल मुँह ना करी, गरीबां दी कोई लोड़ नहीं। मैं ही पूछने ना, पूछने ही नहीं लगा, तेरे को कराए को नहीं, रहन दे। मीना आलियां दी याद मनाई जाएगी सिर्फ अमीर, क्योंकि वाजब है, वाजब बिच वेख्या जाता है बंदा अमीर है या गरीब है। लिया कुरान में सर ते रख देना, करबला लंदी याद अजादारी वाजब नहीं, अलैहे अजरन, अजर च ना अमीर नू छुट्टी है ना गरीब नू छुट्टी, ना सुनी ना शिया किसी। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगू तेरी मर्जी है, सोच कि याद की अहमियत ज्यादा है इस दुनिया ते। अच्छा, मीना आलियां दी याद मनाण वास्ते साल च महीना भी के, जगह भी के, दिन भी एक के। रबीउल अव्वल च हज कोई नहीं, जेडे नहीं पे बोलते तुसी जमात दी उसानी च करम दे, एक महीना। मालक है साडा भी पहाड़े, दुनिया का दूसरा बड़ा नमक दिकान साडे मुल्क च, ओ सुके सड़े पहाड़ मक्के दे, इत्थे सब्जा भी है नमक भी है, इत्थे ही दौड़न ला लैने, भी तू नहीं बनाया। फरमाया हर पहाड़ च दौड़ना मीना दी याद नहीं आती, उन्हां दी याद मनाने वास्ते मखसूस पहाड़ ने सफा मरवा। बस मालक यकम दो ज़िलहज आ जा, फरमाया नहीं। 18-19 ज़िलहज, फरमाया ना 21 दिन नहीं, 9-10 ज़िलहज। इहदा मतलब है जसो की गुजरात मेरे सुन्नी शिया भाई, मीना आलियां दी याद मनाण वास्ते महीने की भी पाबंदी है, जगह की भी पाबंदी है, दिन की भी पाबंदी है। बाबा जी पता नहीं फरजंदे जहरा 3 घंटे अच करबला दे जंगल च मेहनत कितनी कीती है, हुसैन की याद मनाण वास्ते ना जगह की पाबंदी है, ना दिन दे, ना महीने की, जिथे दिल मना ला जिमें दिल मना। मेरे मालक ने कर्म की किते, मेरे मालक का तुसी तरतीब और हिकमत वेखो। दोवे गुजरे वाक्य ने, दुआ दियाँ यादा ने, लेकिन अल्लाह ने मीना आलियां दी याद का महीना पहले रखे ज़िलहज, उत्तू फौरन करबला आलियां दी याद का महीना रख दिया। मालक इन क्यों है? फरमाया मैं खालक हाँ, मैं अपने महबूब की उम्मत नूं बड़ा जानना, मेरे नबी दे उम्मत कलमा पढ़न आलियां नूं एतराज़ मीना दी याद ते नहीं होना। इन्ना ने इतराज होना करबला दी याद ते। मैं इस वास्ते मीना पहले मनवाए है ना, जेड़ा एथे दौड़ा ला के जाए वो ते घर जाके चाह ना करे, जी पिटा कुटी चुके लभदा। मैं अपने घर बुला के मंगवाए है, मैं तेन दसे है जे पिटा कुटी दा उत्थे फायदा कोई नहीं, ते एथे दौड़ा लाने दा केड़ा फायदा है तेन इत्थे की। मैं सदके बहुत शुक्रिया। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, इस रूए ज़मीन ते इंसान दी हिदायत वास्ते जेड़ा पहला घर बनाया गया वो मक्का है, वो खाना काबा है। पहला घर रूए ज़मीन ते बनन आला ही काबा है, और ये काबा हिदायत करदा है लोगों नूं। अल्लाह ने करबला आलियां दी आज़ादारी दे तमाम जवाब मीना मक्के दी याद च रख दिते, अल्लाह घर बुला के हिदायत कर दी। अल्लाह क्या जेड़े जेड़े चोखे खांदे पींदे हो ना, ऐ चां चावी अमीर ही चोखा कर दे। इत्थे आओ हां, मैं तुहानू इत्थे दौड़ा लवावां। अल्लाह अपने घर बुला के हिदायत की, सारी आज़ादारी का जवाब अल्लाह अपने घर बुला के मक्के दिते। साडे ते इतराज होंदा है, मेरा दिल है मैं करबला मीना विचों साबित करा, मैं करबला पढ़ा मीना विचों, चूंकि मीना ते किसी ने इतराज नहीं। इतराज होंदा है जी मुहर्रम हुण शुरू होण लगा है, अशियां हुण पिटा कुटी शुरू कर लेनी है, कोई फायदा नहीं। इमाम आली मकाम नूं अल्लाह ने दर्जा शहादत दा दित्ता, शिया खुश होण इमाम हुसैन वल्ला शहादत का रुतबा दिता, और रोण पिटन नाल शहीद नूं तकलीफ होंदी है। अगर शहीद दी रूह राजी करनी जे 4-4 नफल पढ़ो, 2-2 सपारे पढ़ो, उन्हां नूं कोई तरी ते होवे ना।
खबरदार मौलवी का बा हिदायत है, तू हिदायत नहीं। अल्लाह ने हिदायत का इंतजाम काबे कीते है, जे साढ़े रौन पिटन का इन्हों फायदा नहीं तो तेरा सफा मरवा च दौड़न का इन्हों की फायदा। सानू इतराज़ करना जी मसीत बह के पढ़ो तो उत्थे तू शबीना करा ल, असी बाबे रानू हाई तो उदन ही टोरने जदन आ जानता भी ठीक है ना आनता भी ठीक। सब तो ज़्यादा मैं हाई तो गया साढ़े पाकिस्तानी हाजी ज़ईफ ने साढ़े चरीत जिस वे बंदा घर बार के काबल नहीं रहा बहुत ज्यादा उस बजुर्ग नाल जुलम कर रहे हो जिन्हों तनहा हज ते भेज रहे। हज जवानी दे, हज मुशक्कत है, हज ही चला दौड़ा लवादा है। सब तो ज्यादा यंग बाकी मुल्कां दे हाजी ने, साडे बाबे ने खुंडियां फड़ियां ने अल्लाह दा दौड़ो। मेरा अल्लाह सी चाचे नाल उदन टोरने जंदर टोरन दे काबल नहीं, तू उत्थे दौड़ा लवाईयां ने। मेरा अल्लाह चाचे और बह के दो सपारे ना पढ़न, हाफज़े कुरान भी ने। मेरा अल्लाह दौड़न का क्या फायदा, फरमाया अपने घर बुला के दौड़ा लवा के तेन हिदायत पिया करना, मैं इतने तेन पढ़ाइया वास्ते नहीं बुलाया। भज तेरिया नस्लां पता लगे कोई नबी की मां भजदी रह गई। मैं सदके भाई, मैं सदके भाई, उच्चा बोलो सारे हाथ बुलंद है दरिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असी बख्शिश दे मुनकर नहीं, असी भी पढ़ के बख्शने हैं, लेकिन मौली साहब मेरे नबी की उम्मत को गुमराह ना कर, पहले बख्शिश का असूल तो समझा मुस्तफा की उम्मत। आमिना दे लालच बख्शी का किसन है, शर्तां की ने, बख्शिश दी कुरान पढ़ के सदका तो खैरात उन्हों बख्शी देने जड़ा गुनागार होवे। कर लंगोटा मौलवी पुत्र रसूल दे चु गुना तू कड, असी इमाम हुसैन पढ़ के बख्शने, लेकिन शब्बीर चु गुना कढ़न पहले कलमे की फिक्र करनी आ। ए ओ ही जिसनु मुहम्मद आख रहा हुसैन ओ मिनी वाना में नल हुसैन, हुसैन की गलती मुस्तफा की गलती बनेगी। दूसरा बख्शिश का असूल है, पी सकते हैं शाह, दूसरा असूल है पढ़ के उन्होंने बख्शो जेड़ा मरण के बाद आप ना पढ़ सके। तेरी जरूरत है मौलवी तू उन्हू पढ़ के बख्शे जिदा धार वखड़ा कुरान पढ़े जिदा सार वखड़ा कुरान, तू उन्हू बख्श। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जिंदगी भाई बच्चे अल्लाह तेरी जिंदगी दराज हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन्ना दोवे घर दियां नियाजा खानियां इबादत ने। इमाम हुसैन की नियाज बंदे डरते नहीं खाते। मैं एक बंदे को जो क्यों नहीं खाते, उन्हें आखिर जरा खा लेंदा ना फिर असर कर दी। जड़ा है ना आज तू पांच सात दस साल पहले ओ शिया खून पांदे जे चावलों में, कुरान की मिन कसम है कोई खून चो नहीं पाते। सिर्फ मौलवी ने डारे जे समय दे विच इमाम हुसैन की नियाज टुर जानी है उन्हें तो फिर उन्होंने हराम ही समझना है ना। आए मैं सदके हूं, मैं सदके नियाज असर रख दिए। इन्हों दो घर दियां नियाजा ने जल्द तुम हाजी ने मिले जाते हो छोटी जी प्लेट उतो ही निके निके गिलास लैके आते हैं ना, वड्डा गिलास होवे ना जमजम चोखा देना पवे, दो खजूर दो घुट पानी लो जी बिस्मिल लग। ये साढ़े खजूरों को नहीं, उन्होंने बड़े आराम ना खाना, साढ़े नलके का पानी जमीन चु नहीं आता, जमजम ही जमीन चु आता। इन उठ के कलमा पढ़ के काबिल मुँह का बिस्मिल्ला, कतरा भी बिच ना रवे। ये क्यों इंज करने हो सकिया, नलके का पानी हो रे ये तो जमजम नियाज हो ही ना। चल मुल्ला किथे जाने ही, कबर ही तनहा नहीं जाना, मुस्तफा तेरे को पूछेगा जेड़ा मिनालियां दा जमजम एहतियात नाल पीना है, मेरे पुत्र दे लंगर की तोहीन करता रहा, मेरे पुत्र दे लंगर नूं दिल एहतियात। अल्लाह जिंदगियां दराज, अल्लाह जिंदगियां दराज। मैं साबित कर देना मिंबर ते खलो के मैं को लखनऊ च आया है बजाड़ा परिया बना टाइम बना, मैं साबित कर देना जे मिनालियां ते जमजम ही शिफा है ते शब्बीर सरकार दे पक्के लंगर च जमजम तू सत्तर गुना ज्यादा शिफा ना हो, अल्लाह आदल ही नहीं रहा।
मैं सदके क्यों जिथे एक इस्माइल है यार यार जिथे एक इस्माइल है उथे शिफा है ते जिथे बहत्तर है बोले नहीं जसो की अल जिन्हों का बच गया है उन्होंने जमजिम शिफा है ते जिन्हों के बहत्तर कबूल हो गए मीना लिया भी न्याज है करबला लिया भी न्याज न्याजा है नहीं दुआ घर दियाँ अल्लाह हिदायत घर बुला के दी जी कबरां नूं नहीं चुमना चाहिए तो कबर तेरे लिया मौलवी कुरान रख सर ते 8 लख दे के कबर का तवाफ नहीं किया उ हतीम की है खाना काबा बिल्डिंग नाल एक मुड़ी जी दीवार है जिन्हों हतीम आ दिन ये हतीम की है और तुम पता है फिक है जाफरी है अगर हतीम और काबे के दरम्यान ही तवाफ करो तो हज बातल तवाफ करद उस हतीम नूं भी अंदर ही रखना ऐ काबे ऐ यू शकल की दीवार है शिया उत्तों ती तवाफ करना शॉर्टकट नहीं करना किसी मौलवी के सिर ते कुरान रख ये हतीम की है ये हतीम दे थले इब्राहिम हाजरा और नदी औलाद दफन है आए हाय अल्लाह तेन घर बुला के हिदायत पे कर दे कबरां दे मुनकर नहीं बनी दा साढ़े तक इतराज है जी सोटी लेंदे जे बांस उत्ते दो गज का कपड़ा ते चुमना शुरू कर दे वेखा वड्डे सियाने कपड़े नहीं चुमने तो साड़ी चादर में चुम लो निस्बत दा इतराम है चीज दा इतराम नहीं असी इमाम हुसैन दा सरकार वफाद आलम बना के चुमने बिदतियां बांस दी लकड़ी ते कपड़ा वेखो चौखे सियाने फिर मेरा जवाब है अल्लाह हिदायत इन घर बुला के दिती है चारे पत्थर ने चारे मक्के च ने चारे हज दा हिस्सा ने चौं दा खालक अल्लाह है या मनना ही या मनाना ही जिद दा इलाज नहीं इत्थे साडी अजान एक नहीं नमाज का तरीका एक नहीं कोई हाथ इत्थे कोई इत्थे कोई इत्थे कोई जनाब 10 मिनट पहले रोज़ा कोई 10 मिनट बाद कोई सलवार थले कोई गिटियां तो उत्ते कोई टोपी कोई सलवार छोटी कोई 11वीं वाला कोई 12वीं वाला कोई मातम वाला कोई त्रावी वाला सलाम लैके एक दूजे ना राजी नहीं ये 40 लख 73 फिरके दे हाजी किड़े एयरपोर्ट ते बह के सलाह कर लीए मक्के जाके त्रों नूं मारना जे एक नूं चुमना जे मेहरबानी बोल भाई मेरे नाल जे समझ अल्लाह तुहाडे हाथ सलाम अल्लाह तुहाडे हाथ इत्थे ते इंज 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 जिद्दां बणाईआं यार उत्थे सुन्नी मित्र नूं मारदा शिया ने त्रो मार दिया जेड़ा सिवाय कुरान दे बहुत सा जायज नहीं समझता वह भी काले नूं चुमदा साडे एशिया का मिजाज की है या साडे गुजरात इस इलाके एशिया का की मिजाज असी लम्मे चिट्टे नूं चंगा समझने कद शद ठीक होवे रंग दा जरा चिट्टा शिट्टा वाह भाई ठीक है ते जेड़ा निक्का जिहा होवे मंदरा ते उत्तों शाह काला असी उहदे नाल सलाम लैके राजी नहीं फिरका वरीयत तू बाला तार हो के सिर्फ मेरी शाह की गल का जवाब दे दे ये वट्टे मारन लग्या ना कद वेखी ना रंगत वेखी हाय जड़े लम्मे लम्मे ने ते चिट्टे चिट्टे ने उन्होंने मारी आवना ते जड़ा निका जा ते शाह काल है उन्होंने चुमी चुमने ते चौं नू चुम चारे पत्थर ने मारने ते चौं नू मार चारे पत्थर ने चौं दा खालक अल्लाह चारे मक्के च ने चारे हज का हिस्सा ने 73 फिरका बोल को साख्या ना चुमदिया रंग वेखे ना वट्टे मारदिया कद वेखे असल च असी निस्बत वेखीए त्रों की निस्बत शैतान नाले एक दे निस्बत रहमान मैं सदके मैं सदके मैं अल्लाह तेन घर बुला के हिदायत की रंग नहीं वेखना कद नहीं वेखना निस्बत वेखनी लम्बिया लम्बिया की निस्बत जमरात दी शैतान नाल वटे मारो निके जे मंदरे ते शाह काले दी निस्बत रहमान नाल चुमो वो जेड़ा सिवाय कुरान दे बोसा जायज नहीं ना समझदा वह भी पत्थर ही चुमदा अल्लाह फिर तेन घर बुला के हिदायत पे कर दे इत्थे आवी ते उत्थे जाके बंदे दा पुत्र आवी चलो एडी वड्डी भरे आ जनाब मैंने गल दा जवाब दे दियो 40 साल लगे ने अखां दी बिनाई मुकदे याकूब अलैहिस्सलाम नबी
ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਤਨੇ ਵਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਦੋ ਸਾਲ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ? ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ? ਡਰੋਪ ਆਏ ਨੇ? ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ, ਉਮਤ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ। 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਿਨਾਈ ਮੁੱਕਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਇੰਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕੌਣ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਨਬੀ ਹੈ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ। ਆਖਿਆ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਈ ਖੈਰੀ ਮੈਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ। ਕਬਰ ਤਨਹਾਈ ਆ, ਮੌਤ ਯਕੀਨੀ ਆ, ਮਾਸ਼ਰ ਸਖਤੀ, ਜਹੰਨਮ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ। ਮੌਲਵੀ ਤਿੰਨ ਕਬਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ, ਮਨ ਜਾਂ ਮਨਾ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਲਮ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਜੇ ਨਿਸਬਤ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਭੇਜੋ ਬਾਈ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਸਮਿਲ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦਰਾਸ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਨਿਸਬਤ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਲਮ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ ਘੋੜਾ ਮਮਦੀਪੁਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਸ਼ਬੀਹ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਮੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਾਂ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਣੀ ਕੌਮ। ਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਵੇਖੋ ਮੌਲਵੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈ ਬੈਠ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਲਾ। ਲਿਆ ਅਸਲ ਲਿਆਓ, ਕਰਬਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਨਕਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿੱਦਤ ਏ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਦੁੰਬਾ ਛਤਰਾ ਬੱਕਰਾ ਤੂੰ ਘਰ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸਲ ਆਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਛਬੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਲੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਲਾਏ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਤ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਯਾਤ ਕੁਰਾਨੀ ਲਿਖੀ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਛਬੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਛਬੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਛਬੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁੰਬੇ ਦੀ ਛਬੀ, ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵੱਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਬਲਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਦੀ ਛਬੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਾਈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਖਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੱਥੀਂ ਪੈਣਾ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੂਜ਼ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਅਲੀਨ ਵਲੀਉੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਨੀ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਪੈ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਮਿੰਤਰੀ ਸਿਪਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ, ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਰਸਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਕੈਲ ਨੇ, ਸੁਣਨੀ ਵੀ
शिया भी जी दोवे घर मैं फिर गया दोवे घर तुसी निस्बत दे कह लो गल मेरी गलत है मैं मिंबर तो गिरबान पकड़ के उतार दे मैं दलील पे देना सुन्नी भी निस्बत दे कायल ने शिया भी निस्बत दे दलील की दलील मैं दे देना शिया सेंसिबल कौम है असी अन्ने वाह कभी किसी ने मने नहीं जिन्हों मन लिया फिर छड़े ही नहीं असी मनन तो पहले सोचने मन के नहीं सोचते और शिया की बुनियाद है कि मनन तो पहले सोची मन के ना पुछदा फिरी हुण कित्थे पढ़ना चाहिए ते कि आ मेहरबानी 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 असी पहले सोचने पहले सोचने फिर मनने असी हर घोड़े का सलाम नहीं किया असी चुन के उहदा सलाम किया जिहदी निस्बत निवास है रसूल दे मुर्तजिज नाल वरना अगर शिया अन्ने वाह घोड़िया नूं मनदे ते टांगे वाले अड्डे ते मातमिया का रश होना चाहिए असी टांगे वाले का कदी सलाम नहीं किया असी उहदा सलाम करने जिहदी निस्बत निवास है रसूल नाल तुसी दोवे घर निस्बत दे कह लो गल अंदर रखदे हो तुसी करदे कौन हो मैं मिंबर ते करन लगा जे नाराज नहीं होना इमाम हुसैन की मजलस दिल तोड़न वास्ते नहीं दिल जोड़न वास्ते गल आ गई तो मैं करन लगा दोवे घर भरिया बन के जवाब दे देना जे शिया हर घोड़े का सलाम नहीं ना करते उदा सलाम कर दे जी दी निस्बत निवासे रसूल नाल रिंज शिंज नहीं होना तुसी भी हर घोड़े का राह नहीं डकदे बोलो मेरे नाल जे समझ आई इहदा मतलब है विचों दोवे घर निस्बत दे कायल शिया भी सलाम उदा ही करते ने जिहड़ा इमाम हुसैन दी जुलजना नाल मनसूब भाई भी राह उदा ही डकदे ने वरना अगर घोड़े नाल निकाह टुटे तो टांगे वाला भी जसो की ना ना होवे इहदा मतलब है टांगे वाला समेत टांगे लंघ जे कोई गल नहीं फिर मनना पेगा जसो की आलिया गल घोड़े दी नहीं गल कोई होर है इस वफा कीती है ताएं दा सलाम करना है इस फरजंदे जहरा नाल उदन वफा कीती जदन अकबर दे बाबे दा रहे कोई नहीं खतीब आले मोहम्मद की बिलाज़र हसन ज़ैदी साहब दरजात दी बुलंदियों ने साडे मिंबर ते इस तो वड्डा ना ही नहीं आया लकब ही खतीब आले मोहम्मद उन्हां दा उर्दू पढ़ते हैं फरमाते हैं कि करबला के मैदान में 9 लाख हैवान बन चुका था हुसैन का हैवान इंसान बन चुका है मैं सदकी हूँ इस वफा दी इंतहा की थी भाई जान आगे कोई ज़्यादा देर नहीं पढ़ना मालिक इन्हें जिंदगी सेहत नाल दरा हर हवाले नाल साहिब इज्जत मैं सदकी होवां मैं एक जुमला वैनैथी करके मिंबर उन्होंने हवाले करा सफर सारे दे बेखतर होन शब्बीर सरकार दी ड्यूटियां जारी हो सारी रहन इज्जत कीता करो इस उलझना दी इदियां वागां औलाद नूं पकड़ाना सिखाओ मनता मनिया करो इदियां पूरी होंदियां जे यो जुलजना है जो नबी दी धी अपनी चादर ही जो खवाया मावां नूं सवारियां भी प्यारियां होंदियां जिहड़े पुत्रां नाल वफा करन फरमाया अस्तबल च कोई घोड़ा है जिहड़ा मेरे शब्बीर नाल प्यार करदा है गोडी ला के चढ़ाउंदा है नौकर खोल के लै दरवाज़ा इसमत अगे माद ने इसमत सैन इस दियां वागां पकड़ियां हवेली इसमत ही लिया के फरमाइंदे ने घोड़ा याद रखी ओ बूआई जिथों जबरील भी बगैर इजाजत कदी नहीं मैं मुहम्मद दी धी हो कि अपने वेड़े ते नंदा गोडी लाना मेरे हुसैन वास्ते एक बार मेरे वेड़े लाए ना गोडी माँ पवे दी जदन अगलियाँ हाँ गोडी लाई इस इंज करके वेखे जाहिरन बादशाह का बचपन है नहीं चढ़े इस हैवान ने फिर पासा लाया माँ पवे दी जदन शब्बीर की कंड ते बैठा है वो फीलिंग जाकर नहीं पढ़ सकेगा जिनी माँ दी बेटे दे बारे फीलिंग साढ़े कोल नहीं लफ्ज महसूस करा सकने अगर महसूस करो तो उस माँ के जेहन कितना सुकून आया होगा हैवान मेरे पुत्र नाल वफा कर दे उठे पहला चक्कर लाया दूजा जे नहीं लाया नबी दी धी बाजी हुजरे च गई है वापस आई है तत्हीर आली चादर दे दामन च जाओ आ फरमा लै बिस्मिल्ला खा अखा बंद करके इस जो खा दिया इहदे मत्थे ते सफेद जिहा निशान है इत्थे नबी दी धी हथ रखे फरमा घोड़ा ए वो चादर ही जिन्हों नबियां हथ नहीं लाया
मैं तेरे नबी दी धीओ के दे जो खवाए ने इदी उजरत मंगा देंगा। बेजुबानी हिनक मार क्या दे बिनते मुस्तफा के दसकना हैवान आ फरमाए आदल पियो दी धीआ ओ मंगांगी जेड़ा तेरे वस च होवे। हुक्म करो फरमाए चादर ही जो खाण दी उजरत इतनी बनदी आ जिथे मेरा कल्ला रह गया। ओ मेरे नु तनहा ना छोड़ी मैं औखी चकियां पी पी पाल। मरहबा मरहबा मरहबा। इस वास्ते दा इतराम कीता करो इदा सलाम कीता करो इस हैवान हो के वफा कीती। एक मैं बैन करा आखिरी वेले टिब्बे करबला ते बैठे सवारियां भी नदियां राज ने कुन दी मखलूक इन्हां दी सवारी भी राज रहेंगे। ओ मुतलाशी हक तक ही राज जरूर पहुंचेगा अगर कोई मुतलाशी है तो। मैं सद क्यों बन के नहीं रखते इसमें उतरते ने छोड़ देंगे दे, कोल खलोता है अरशां तू आवाज या तो नफ्सुल मुतमईना इरजेई इला रब्बे के राजिया तम मर्जिया। जिन्हों अल्लाह आखे ना मैं राजी हाँ वह हो रे मुला जिन्हों तू आखे ना ये राजी हो रे। इस आयत की आड़ मेरे मुस्तफा दे बेटे की तौहीन ना कर। अल्लाह के नज़दीक रजी अल्लाह हो रे मुला के नज़दीक रजी अल्लाह हो रे मौलवी तेरे नज़दीक कातल भी रजी अल्लाह मकतूल भी रजी अल्लाह। तुसी वेखोगे सोशल मीडिया से एक नाम ने हाद इस आयत की आड़ फरजंदे ज़हरा की तौहीन कर रहे। अल्लाह के नज़दीक रजी अल्लाह होंदा है जिन्हें पहले अल्लाह दरूद पढ़ता हो आए हाय मैं सदके हो पवा लौटा मैं राजी हाँ मालिक एक सजदा कर लवा मालिक मैं आ रहा फिर मैं अगे तू सजदियां दी इंतहा कीती बस कर ना फिर मैं नहीं मेरा अल्लाह मैं वखरा सजदा करना चाहना। कैसा हर निमाजी सजदा करता है बारे ला उदी पेशानी ते निशान बनता है। अज हुसैन इस करबला की धरती ते ऐसा सजदा करेगा कयामत तक यजीदियत दे तूफान चलनगे मेरे सजदे दा निशान करबला तो नहीं मिटेगा। और इन्हां दे सजदियां दस्सिया कोई अल्लाह है सजदे की तैयारी पे करदे हन फौजी इश्किया दा एक सिपाही हुसैन तेरे नाल गल करनी हाँ बोल हो सकिया अजे भी टाइम है फौजां मुक गईयां नहीं जिन्हां ते माण आई ते मारे गए नहीं तेरी फौज का जरनैल हो वे कसी बाजुआ समेत ला दिता ही फौजा मुक गई जवान मेहमान नादान मारे गए अजे भी टाइम आई बैत कर लै जे लफ्ज़े बैत है ना अलवी खून शब्बीर दे चेहरे ते जोश मार गया बाबा जी हुसैन दी अक सुरख हो पहली बारी जलाल आया दो लोका तलवार इदी गर्दन ते रख आ देन हम तो समझे फौज मरा बैठा है कुल नबियां दा सुल्तान है जे अमर करा ते खुल्द विचू आवे छोड़ के कुल रिजवान है औखा वे लावे भिरा याद आंदे जसो की आलिया फुरात अल जख्मी बई वधा क्या दें देवा अमर अब्बास को टोरा वे एक बारी विच मैदान है करखा की रात दी लाल देवे अवे नजर ना कोई इंसान है। सैयद दे जा फौजा संभाल के समझे मैं गरीब हाँ मेरिया रगज फाते खैबर प्यो दा खून है उस जलाल नाल शब्बीर ज़ुल्जनाह दी कढ़ते आ फरमेंदे ने को नहीं जिंदा रहना मैं इतनी देर मैं बुला रहा मैं जा रहा देखो घोड़ा उत्थे मैं क्यों जिंदा रहा जिथे मेरा गाजी नहीं रहा अकबर जे पुत्र दे बाद मैं क्यों जिंदा रहा इन्ना समझे मैं गरीब हाँ मैं हमला करना चाहना अज मैं जलाल ही चाली का पुत्र मेरे जलाल नाल अपनी रफ्तार मिलाएंगा हाय मैं तेरी सुना गाजे मजल से बेजुबानी झिणक मार के आदा पुत्र रसूल दा मेरी रेहल उत्ते साज ते वागा चा अज तेरी जुल्फकार तू दो दो कदम अगे न रहा आखी तेरी अम्मा दी चादर ते जौ ना खा दा। शब्बीर फिर घोड़े नू जुलाम दिता है शब्बीर फिर हमला कीता है तफसील फिर जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी हे मैमना नू मैसरा ते कूफे तक मकाम नुखैला उलमा लिखे बारह मील तक सैयद हमला कीता है तो फौजा नसियन। एक आखिरी जुमला मेरे लवे के सुनो बिस्मिल्लाह मैं एक मिनट बहुत थोड़ा करना चाहना लंबा हो रहा मैं चुन चुन के शब्बीर इस हमले च बंदे मारे जिमें पिपरे या शेर जख्मी शेर शिकार ते झपट देना चुन चुन के इमाम हुसैन हमले किते मजलूम करबला दी निगाह पई है साहबा बिन साद मलौन ते जेड़े खड़ियल जवान माती बैठे हो ए ओ मलौन है जिस हुसैन दा 13 साल का कासम लाया है
इबादत हो जाएगी हर बंदे दी जुमले ते चुन चुन शब्बीर दी निगाह इस मलाउन ते पई है सारे ने छोड़ के फौजा चीर दा बरक रफ्तारी तो तेर इसे सर तेन उछल के जीन चुवार करन लगे इस बगैरत दे हथू तलवार डिग पई है हाथ बन के कंबल लपया दा जिवें तू मैनूं सुजाण के आए तू मैनूं छड़ना कोई नहीं मार सही मैनूं लेकिन मेरा जुर्म दस की है तेरा सब तो वड्डा नुकसान हकीम बिन तुफैल कीते मलाउन ओ जिस तेरा गाजी लाया खलोते है हसीन बिन नमीर तेरा लखा यूसफा तो सोहना पुत्र लाने वाला बगैर तो प्या हसदा है उन्होंने तू कुछ नहीं आख्या मैं तेरे एडा नुकसान ही नहीं किया मैं ते 13 साल का एक बच्चा मारिया मेरे ते क्यों आया है मैंने क्यों मारना है शिया बंदे दी मैं हाय सुना उसले शब्बीर दी अखा च खून उतरे फरमा देना अम्मा लाऊं तू प्याना मैं 13 साल का बच्चा मारे जदन का मेरा कसम मारे ही मैं खेमे नहीं जा सकया बेगैरता मैं खेमे बहना मेरी कुबरा देवाल खुले मरहबा 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 और मेरी धी का घर उजाड़न आ लिया मैं सदके मैं सदके मैं सदके आफरीन भाई अली दी धी राजी हो गई फरमाया मेरी धी का घर उजाड़े आई बंदियां नु दीयां तो बाद कोई प्यारी शह नहीं होंदी मलाउन तू मेरा वो नुकसान कीता है मेरी धी नु बेवा कीता है तलवार पे चलांदियां ते कण ते हथ आए ने फरमाया जंग मुका मैंने सबर विखा कौन एडे औखे वेले फरमाया वो आ जिहड़ी औखी चक्कियां पी पी पाल दी उत्थे घोड़े दी वाग वला के दिन टोरो घोड़ा मेरी मुक गई शिया सुनिया उते पिया भजदाई जो भजदे घोड़े तू फरजंदे जहरा जन पिया असी तेरे डर तू पड़े घोड़े गोडी लाइए ले आ कुरान में सर ते रख देना 17वें कदम ते जाके रहवार नु पता लगे मेरी जीन खाली है 17वें कदम ते अपने आप नु आदा किथे टुर चले बहाना ला लह गए उन्हां कदमां ते वापस आया भुखा भी है तस्सा भी है जख्मी भी है हैवान भी है जिथे फरजंदे जहरा मिट्टियां ते सुता पिया है अपनी गोडी मिट्टी ते ला के अपना मुंह हुसैन दे कन्न रखिया दा ओ जहरा दा इको रह गया बचड़ा पुछण आया मेरी गलती तू लथे या अपनी मर्जी नाल शब्बीर दा वादा है घोड़ा तेरी गलती कोई नहीं नाने नाल मैं इथों दे लहण दा वादा कीता हैरान हो क्या मैं तेरिया शाइया वेखिया मैं तेरा बचपना वेखे मैं तेरी अमीरी वेखी है वह भी मैं दौर तेरा वेखे जिथे तुन जहरा दी गो तू थले कदी खेड़दा नहीं सोने ते जबरील दे परा ते एडा अमीर आवे ए केड़ी जगह मुंतखिब कर लिया शब्बीर दी आवाज आई है घोड़ा राज दियां गल्लां ने दखल ना दे आम जगह नहीं ओ जगह जिथे अम्मा जहरा वाला नाल बुहारियां देंदी रही आदि आई कल मेरे जख्मी जनने मता कोई संगरेजा होवे आफरीन भाई किथे लथे नहरे अलकमा शब्बीर दी जरी तू बाबे सिदरा जिथे मकामे साहिबो जमान जिथे गाजी दे अलम दी अज भी निशान है हर जहर जाके अपने मुंह ते पानी दे छट्टे मार दे फुरात दे पानी दे तकरीबन कुर्बो नज़दीक करीब 1 किलोमीटर हुसैन दी जरी तो दूर उत्थे एक मस्जिद है मस्जिद इमाम जमाना हर जहर जाके 2 रकअत हदी अपने इमाम दी पढ़ दे मैं भी पढ़ी आई मैं अपने सलार को पूछा ही है केड़ी जगह है उसे के 12वें दा मकाम है मैं क्या इत्थे क्यों बनी उन्हें आख्या जदन भी दादे दी ज़ियारत आंदा है मेरा 12वां इत्थे बह के रत रोंदा है सिर्फ रत नहीं रोंदा इंज टुरदा ही जिवें 2 साल दा बच्चा किसनिया दे बाहर टुरदा 12वां रत रोंदा ही उस दौर दे शिया पुछिया मौला इत्थे कबर कोई नहीं जरी कोई नहीं 1 किलोमीटर दूर दादे दी कबर तू इत्थे क्यों रोंदे हो मुंह ते मातम करके आ ध्यान इयो जगह है जिथे भजदे घोड़े तू मुंह दे बाहर लथे उस दौर दे शिया पुछिया अगर इत्थे लथे ते इत्थू लै के कबर तई किवें गया है फरमांदे ने मैं तां रोना इत्थू लै के उत्थों तई शिमर मेरे दादे नू वाला चु पकड़ के हर कदम दिया दई अब्बास आफरीन 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 अली दियां धीयां राजी होण मैं सदके आवां वाहिद गरीब है जिदे लहण दी जगह हो रे जिदे कुसण दी जगह हो रे जिदे दफन दी जगह हो रे जेले इत्थे आए जिथे जरबा चल दियां रही इत
ਉਠਿਆ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਜਨਾਲ ਵਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਲ ਵਨ ਖੈਮਾ ਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਪੱਗ ਦਸਤਾਰ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਵਨ ਦੇਵੇਂ ਆਉਣ ਦਿਮਾਗ ਕੋ ਧੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਆਈ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਨੂੰ ਆ ਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਥਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਵਾਦੀ ਕੁਬਰਾ ਕੋ ਆਖੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਦੇ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੰਗਤੀ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨਹਾ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਟੋਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਿਆਦੇ ਤੂੰ ਕਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਤਵਾਫ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਤਜੀ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਇਹਦਾ ਲਕਬ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਸਜਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇੰਜ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜੱਸੋ ਕੀ ਆਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜੀ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਸਜਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ 9 ਲੱਖ ਹੱਸ ਕੇ ਆ ਦਿਆਂ ਤੁਰ ਗਏ ਮਰ ਗਏ ਕੋਈ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਗੈਰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇ ਦਿਆਣ ਹਲਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੀਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆਣ ਘੋੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸਜਿਓ ਤੀਰ ਆਉਂਦੇ ਆਣ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਤੀਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਪਾਸਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦਨ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਖੱਬਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦਨ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਫੇਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਉਹ ਪਰ ਲੱਗੇ ਨੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੌਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਫਰਮਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਸਦੀਕਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਸਦੀਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੇਰੀ ਪੜੀ ਸੀ ਸ਼ਬੀ ਤੇਰੀ ਬਣ ਸੀ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਸਣ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਸੈਯਦਾਦੀਆਂ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰਾ ਸਣ ਕਿੱਥੇ ਲਹਾਏ ਮੈਂ ਉਜ ਲਾਨਤ ਸਦਾ ਤੇ ਮਾਮਣੀ ਤਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮਦਰ ਕਲੀਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਇੱਕ ਮਹਿਲੇ ਸਪਾਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਮਾਪਤ ਫਰਮਾ ਲਓ 15 ਜ਼ਿਲ ਹਜ